तो भाई कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आपके लेके आया हूँ टॉप 10 गेम्स, वो भी सर्वाइवल वाले। इन सारे गेम्स को खेल के आपको इतना मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आने वाला है, आप माइनक्राफ्ट को भूल जाओगे। हाँ मजाक कर रहा हूँ। आओ भाई पहले देखते हैं टॉप 10 पे कौन सा गेम आता है। तो भाई जो हमारा टॉप 10 पे गेम आता है उसका नाम है द सर्वाइवलिस्ट। भाई ये 422 MB के अंदर देखने को मिला। भाई इसका 2D ग्राफिक्स रहेगा लेकिन इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स है, कंट्रोल भी बहुत बढ़िया है। इसमें आप मंकी को टेम कर सकते हो, एक आइलैंड होगा जहाँ पे आप फंस जाओगे, जोम्बिस को मारना होगा, बहुत कुछ करना होगा, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आपको पूरा विलेज बना लेना है और बहुत मुश्किल है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। तो भाई जो हमारा अगला गेम निकल कर आता है उसका नाम है एंजल डस्ट। भाई 50 MB के अंदर ये 3D ग्राफिक्स के साथ 2D एनिमेशन देखने को मिलेगा। आपको अलग अलग एनिमल्स को मारना है, अलग अलग जोम्बीज को मारना है, अलग अलग चीज़ों को मारना है, क्राफ्ट करना है और बहुत कुछ इसमें आप कर सकते हो। ये गेम भाई मेरा फेवरेट गेम में से, आप इसका माइनक्राफ्ट जैसा सिमिलर देखने को मिलेगा और बहुत कुछ। बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। तो भाई जो हमारा अगला गेम निकल का था उसका नाम है ओशन इन ओशन इज होम। 122 MB का है। इसके अंदर आप एक आइलैंड पे हो, क्रैश हो जाओगे आपका हेलीकॉप्टर, लेकिन आप इसके अंदर आपको घर बनाना पड़ेगा। इसके आप गाड़ियाँ चला सकते हो, ट्रक सिमुलेटर से लेके आप तक डॉक्टर सिमुलेटर तक सब कुछ है इसमें। और ये बहुत बढ़िया गेम है, कंट्रोल्स ग्राफिक्स सब एकदम बढ़िया है। बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। तो भाई जो हमारा अगला गेम निकल कर रहा है उसका नाम है लॉस्ट इन ब्लू। भाई आपके लिए प्री रजिस्टर्ड है लेकिन ये गेम बहुत बढ़िया है। आपका एक हेलीकॉप्टर एक अनोन आइलैंड पे क्रैश हो जाएगा जिसमें आपको ज़ॉम्बीज को मारना है, अलग अलग एनिमल्स को मारना है, अलग अलग वाइल्ड जानवरों को मारना है और आपको घर जाने का रास्ता ढूंढना है और घर जाना है, घर बना लेना है, कारपेट बना लेना है और भी बहुत कुछ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। तो भाई जो हमारा अगला गेम निकल गया था उसका नाम है प्रोजेक्ट काया। तो भाई ये बहुत बढ़िया है, इसमें आप एक जगह पे होगे जहाँ पे आपको जोम्बीज को मारना है। ये बहुत बढ़िया जोम्बी का गेम है। अगर आप शूटिंग गेम के दीवाने हो तो ये गेम आपके लिए एकदम परफेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ डाउनलोड करना। और इस गेम की ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है, इस गेम के कंट्रोल्स बहुत बढ़िया है, इसका साइज थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ये बहुत बढ़िया है। पढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। जो भाई हमारा अगला गेम निकल कर उसके जस्ट सर्वाइव। भाई बहुत बढ़िया है, आप एक डेजर्टली आइलैंड पे क्रैश होएगा आपका हेलीकॉप्टर, लॉस्ट हो जाओगे आप उसके अंदर, आपको अलग अलग जगह पे जाना है, एनिमल्स को मारना है, अपना घर क्राफ्ट करना है, बहुत चीज़ क्राफ्ट करनी है, भाला क्राफ्ट करना है, एक्स क्राफ्ट करना है, जानवरों को मारना है, हथौड़े से पत्थर तोड़ना है, पेड़ काट के बहुत कुछ करना है। बढ़ते हैं अगले गेम सब। तो भाई अगला गेम निकलता है उसका नाम है शेडोज ऑफ खुकानास। भाई बहुत बढ़िया है, दिन में तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। जैसे ही भाई इसकी रात हो जाएगी एक ही हॉरर गेम जैसे बन जाएगा भाई, सच में सामने जैसे ही ज़ॉम्बी आएगा हार्ट बीट तेज। बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। तो भाई जो हमारा अगला गेम निकलता है उसका नाम रेडिशनल आइलैंड। भाई बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे ग्राफिक्स वाला गेम मैं लेके आया हूँ क्योंकि इसमें भी आप रात होते ही एक हॉरर गेम जैसा बन जाएगा। इसमें किधर भी आप जा सकते हो, फुल्ली ओपन वर्ल्ड गेम है ये, जो मेरा फेवरेट है, कंट्रोल ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है। बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। तो भाई जो हमारा अगला गेम निकल कर आता है उसका नाम है एपिक क्राफ्ट फाइट। भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा गेम है क्योंकि आप एक रेफ्ट पे हो गए, उस पर ही आपको सर्वाइव करना है, अलग जॉम्बीज को मारना है, अलग जगह पे मारना है, जानवरों को मारना है, आप इसमें अलग अलग आइलैंड्स पे जाके भी सर्वाइव कर सकते हो, जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी, कंट्रोल ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। तो भाई जो हमारा लास्ट गेम निकल करता है उसका नाम है लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। भाई 1.9 GB का है, ये ऑनलाइन है, आपको इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी जैसा एक एक्सपीरियंस आएगा लेकिन इसमें आपको पूरा सर्वाइव करना है, अलग आपका घर बनाना है और भी बहुत कुछ, एनिमल्स को मारना है, पबजी आपको कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे भी इसमें खेल सकते हो, जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी इसकी। तो भाई ये गेम बहुत बढ़िया है।